मिक्स्ड मार्शल आर्ट में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले चैंपियन सैयद ओवैस ने की जियारत। ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले चैंपियन सैयद ओवैस का किया सम्मान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट जिला अजमेर के खिलाड़ियों ने 24 और 25 जनवरी को श्री गंगानगर में हुई दो दिवसीय 5वीं स्टेट मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इसमें ओवैस, सूरज, गणेश, लोकेंद्र, मुजक्कदीन, विकास तथा कोच व रेफरी सहित 10 लोग शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में अजमेर के ओवैस ने 77 किलोग्राम तथा गणेश मीणा ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा अजमेर के ही लोकेंद्र ने 60 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल करके अजमेर शहर को मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गौरवान्वित किया। इस टूर्नामेंट की तैयारी खिलाड़ी अजमेर के ही फेडरल मार्शल आर्ट एकेडमी में कई महीनों से कर रहे थे। विजेता खिलाड़ियों का चयन आगे होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट अजमेर के सचिव अंकित शर्मा ने आशा जताई है कि भविष्य में भी खिलाड़ी इसी तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। खुदाम सहित पूरे मुस्लिम समाज का नाम सैयद ओवैस ने रोशन किया, इसलिए गरीब नवाज की दरगाह के खादिमों ने पूरी टीम की दस्तारबंदी कर हौसला अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमएमए कंपटीशन जो श्री गंगानगर में हुआ था वहाँ गोल्ड मेडल हासिल करके आया हूँ। ये सब जो है मेरे बुजुर्गों की दुआओं से और गरीब नवाज के सबकों की दुआओं के सबके से। अब ये है आगे नेशनल खेल के मेरे कौम का, मेरे मुल्क का नाम इंशाल्लाह रोशन करूँगा। ये कितने टाइम प्रैक्टिस करते थे आप? मैं 4 घंटे प्रैक्टिस करता था। और आपके कोच जो आपके साथ थे उनका क्या बिहेव था, क्या उनका नेचर? नहीं, कोच बिल्कुल फ्रेंडली थे और नेचर वाइज बहुत अच्छे। उनने भी मेहनत करी, मैंने मेहनत करी। बाकी जो मोटिवेशनल लोग हैं मेरे साथ, जो मोटिवेट करते रहते थे, एक मेरे वालिद साहब और एक कोच। ये कितने लोग थे आपके साथ और कहाँ फाइट हुई थी? हम लोग 10 लोग गए थे, जिसमें से 2 तो कोच थे, बाकी भाई भी गए थे साथ में, और वहाँ फाइट हुई थी श्री गंगानगर। आपको क्या मेडल मिला और क्या आप प्रोत्साहित रहे? मेरे को गोल्ड मेडल मिला हरिनवास के गाँव में सबके से, और इंशाल्लाह आगे भी हरिनवास का करम रहेगा जो मैं आगे अपने मुल्क का नाम रखूँगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।